इन डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सी पी सिंह. इन दिस लेक्चर आई शैल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इन्फोर्सिबिलिटी और लीगल वैलिडिटी. लीगल वैलिडिटी या इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं ये बताना है. तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पर या लीगल वैलिडिटी के आधार पर एक तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दूसरा वाइडेबल हो सकता है, तीसरा वैलिड हो सकता है और नेक्स्ट अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं. वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, वो जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट. सेक्शन 2J प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेज टू बी इन्फोर्सिबल. यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल द्वारा प्रवर्तनी नहीं रह जाता, जैसे ही बिल द्वारा प्रवर्तनी नहीं रह जाता, अनइन्फोर्सिबल इन्फोर्सिबल नहीं रह जाता, वाइड हो जाता है. तो ये जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट है. दस व्हेन ए वैलिड एंड इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट बिकम्स लीगली इन्फोर्सिबल अनइन्फोर्सिबल ड्यू टू सम रीजन, इट इज कॉल्ड एंड वाइड एग्री कॉन्ट्रैक्ट. यानी ऐसा कोई वैलिड और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस समय तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती हैं जिनके कारण जो है वो वैलिड नहीं रह जाता, वाइड हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना. जैसे ए ने जो है बी से मैरिज करने का एग्रीमेंट किया है और 15 दिसंबर को मैरिज होनी है, 15 नवंबर को ए की डेथ हो जाती है, तो एग्रीमेंट ये वाइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा. या सपोज कीजिए आपने कोई कार 1 लाख में खरीदने का मोहन से कॉन्ट्रैक्ट किया था, कार जो है 15 नवंबर को डिलीवर होनी थी, 15 नवंबर के पहले कार में आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा. ये कुछ आधार हैं. सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, चेंज ऑफ लॉ के आधार पर है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, रिप्यूडिएशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ परिस्थितियों में वाइड होते हैं. तो ये वाइड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम वाइड एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. सेकेंड है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जब कंसेंट एक पार्टी की फ्री नहीं होती है. यदि किसी पार्टी की कंसेंट जो है बाय फोर्स, क्वार्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई है, तो जिस पार्टी की कंसेंट क्वार्सन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है. जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती, अग्रीड पार्टी उसको कहते हैं. सेक्शन 2I प्रोवाइड्स
an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereon, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Thus, a contract which can be put in at the option one part, option of the one party to the contract is called voidable contract. Any agreed party ke option par contract voidable hota hai. It is point to be noted here that voidable contract continues to be valid and binding till it is avoided by the party entitled to do so. Voidable contract tab tak valid rehta hai jab tak, तब तक बाइंडिंग रहता है पार्टी पर जब तक कि जो है अग्रीव्ड पार्टी इंटाइटल्ड पार्टी या जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उस पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर दिया समाप्त नहीं कर दिया जाता है. इट मे आल्सो बी नोटेड दैट पार्टी इंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट मे आर मे नॉट डू सो. जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को न भी अवॉइड करे उसकी इच्छा है चाहे समाप्त करे और चाहे न करे. सपोज कीजिए जो है ए बी से कहता है धोखा देने के आशय से कि उसकी फैक्ट्री में 5,000 कारें हर महीने बनती हैं. बी से कहता है और कहता है फैक्ट्री खरीद ली अच्छी है बेनिफिट देगी और बी जो है उस पर बिलीव कर लेता है और फैक्ट्री परचेज कर लेता है. बाद में पता लगता है कि वो 5,000 क्या 2,000 भी जो है कारें नहीं बन सकती हैं तो ये फ्रॉड है और बी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा क्योंकि बी की कंसेंट फ्रॉड से प्राप्त की गई है उसने कंसेंट अपनी उस इच्छा से नहीं दिया है. हाँ इसी तरीके से सपोज कीजिए आपके पास कोई आया और रिवॉल्वर दिखाया और कहा कि कार अपनी जो है 5,000 में बेच दीजिए 2,00,000 की कार. अब चूंकि रिवॉल्वर दिखाया आप डर गए जान से मारने की धमकी दी और आपने जो है 5,000 में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया तो ये आपके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा. यदि आप चुप रहेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा. कहने का मतलब है कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन क्वार्सन अ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो बिकम्स वाइडेबल इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेज. व्हेन ए पर्सन प्रॉमिसेज टू डू समथिंग फॉर अनदर पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस the contract becomes voidable at the option of the former. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम करने के लिए प्रामिज करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रामिज फुलफिल करने से रोकता है तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसे रोका गया है उसके ऑप्शन पर वाइडेबल हो जाएगा. सेक्शन 55 सेक्शन में है When a person promises to perform an obligation within a specified time but fails to perform the same within the fixed time, the contract becomes voidable at the option of the promisee. जहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है एक निर्धारित समय में कोई काम पूरा करने के लिए फिक्स टाइम में प्रामिज किया है वो पूरा नहीं कर पाता है तो दूसरा पक्षकार जो निर्दोष पक्षकार है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा. दोनों में जो है डिफरेंस बताने के पहले पहले मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता दूं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट हो पार्टीज कॉम्पिटेंट हो कंसेंट फ्री हो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन लॉफुल हो और किसी भी लॉ में उसे डिस्क्वालिफाइड पार्टीज को किसी पक्षकार को जो है कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रिवेंट न किया गया और रोका न गया डिस्क्वालीफाइड न डिक्लेयर किया गया हो. अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है रियली में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है किसी किसी लॉ में मान लिया स्पेशल
प्राविजन है, फॉर्मेलिटीज हैं, और कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होना चाहिए, तो रिटर्न ही होना चाहिए। ये रिटर्न नहीं है तो वाइड हो जाएगा। दूसरी चीज है, यदि ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अटेस्टेड हो, स्टैम्प्ड हो, हाँ, ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ये पूरी होनी चाहिए, ये नहीं है तो ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो है ये टेक्निकल डिफीट रिमूव कर दी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो जाता है, लेकिन जब तक वो टेक्निकल डिफेक्ट जो है रिमूव नहीं किया जाती तब तक वो अनइन्फोर्सेबल ही रहता है, इन्फोर्सेबल नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच।